पुलिस ने शेरी का 14 साल कबल चोरी होने वाला वॉलेट ढूंढ लिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैमूर कबीर और आप देख रहे हैं SPN न्यूज। सफर के दौरान हम में से अक्सर लोगों का वॉलेट और मोबाइल वगैरह चोरी या गुम हो जाता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें उनका गुमा हुआ सामान वापस मिल जाता है। हाल ही में भारतीय पुलिस ने शेरी का 14 साल कबल चोरी होने वाला वॉलेट ढूंढ लिया और इसे मालिक के हवाले भी कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हेमांत पेडाल कार का वॉलेट 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में दौरान सफर चोरी हो गया था, जिसमें 900 रुपये थे। हेमांत को 14 साल बाद अब रेलवे पुलिस की जानिब से एक कॉल मौसूल हुई, जिसमें पुलिस ने बताया कि उनका 14 साल कबल चोरी होने वाला वॉलेट ढूंढ लिया गया है। भारत में लॉकडाउन की वजह से हेमांत पेडालकर अपना 14 साल कबल चोरी होने वाला वॉलेट पुलिस से लेने के लिए स्टेशन नहीं जा सके थे, लेकिन अब लॉकडाउन में नरमी के बाद ये पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने बताया कि उस वक्त उनके वॉलेट में 900 रुपये थे, जिसमें एक 500 का नोट था जो कि अब चलना बंद हो गया है, जबकि पुलिस ने इन्हें 300 रुपये दिए और 100 रुपये स्टैम्प पेपर वर्क के लिए रख लिए। हेमांत ने बताया कि 500 का वो नोट जो अब चलना बंद हो गया था, वो इसे नई करेंसी नोट से एक्सचेंज करवा लेंगे। मकामी पुलिस के मुताबिक हेमांत प्लेटकार का वॉलेट चोरी करने वाले मुलजम को कुछ वक्त कबल गिरफ्तार कर लिया गया था।